हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं जो आप लोगों को एक वीडियो देने जा रहा हूं, इसमें हमारे कई व्यूअर्स ने कमेंट में मुझसे कहा था, पूछा था कि इसके जो सैफन जो फ्लश वाल्व होते हैं, जो ये ठीक है, इसके जो स्प्रिंग खराब हो जाते हैं उसको कैसे रिप्लेस करें। तो स्प्रिंग रिप्लेस तो नहीं हो सकता क्योंकि वो स्प्रिंग मार्केट में मिलता नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो है स्प्रिंग रिप्लेस करने के बजाय स्प्रिंग को आप हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग हटा देंगे तो भी आपकी जो फंसने उसने वाली जो इससे साइफन फंस जाता है, इसे प्रेस करने पे साइफन फंसता है या ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो आप स्प्रिंग को हटा दीजिए। क्योंकि स्प्रिंग एक टाइम के बाद जो है गल जाता है, वो सड़ जाता है पानी में, ख़राब हो जाता है, तो उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, हटाने से भी आपकी जो दिक्कतें आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो स्प्रिंग अगर आपको ऐसा मिलता है तो चेंज कर सकते हो, आप कोई इशू नहीं है। बट अगर स्प्रिंग आपके पास नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्प्रिंग को हटा सकते हो। स्प्रिंग निकालने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, आज हमारे पास तीन तरह के हैं। एक तो ये है, ये सैफन है, ठीक है, और दूसरा ये है। इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं ना, ये बटन पे, इस पर स्प्रिंग होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दें स्प्रिंग। देखिए, आप देख पा रहे हो, देखिए इसके अंदर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये जो बटन होता है ना, इसमें स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, ये देखिए स्प्रिंग नज़र आ रहा है आपको। तो ये तीन टाइप के हैं, मैं आपको आज तीनों में बताऊंगा कि इसका स्प्रिंग जो है, जैसे जो यहाँ पे स्प्रिंग है, इसका क्या रोल होता है, और अगर स्प्रिंग ख़राब होता है तो उस पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, है ना। जैसे ये देखिए बेस होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे वॉशर लगा है। ठीक है, ये वॉशर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये वॉशर यहाँ पे बेस पे बैठता है, इस बेस पे। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में इसका उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप दूसरा वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये तो हमारे जैसे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर, इसका स्प्रिंग जो है हम कैसे रिप्लेस करें। तो स्प्रिंग रिप्लेस करने के लिए जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। रिप्लेस तो अगर आपको मिल जाए तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्प्रिंग को हटा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको क्या होता है ना, कि इसको यहाँ से इस तरीके से घुमाया जाता है। इसे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए लॉक है, और इसको हमने यूँ पकड़ा इस तरीके से, और ऐसे उल्टा घुमाए ऊपर की तरफ, थोड़ा खींच के इस तरीके से खींच के और ऐसे घुमाया आपने। ये देखिए ये खुल गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये इसका बेस होता है, ये चीज़। इस बेस पे कभी भी कोई स्क्रैच या कोई कट नहीं लगना चाहिए। अगर ये बेस ख़राब हो जाएगा, इस पे कोई कट वगैरह, वैसे अपने आप तो कभी ख़राब नहीं होता ये, जब कोई इसको साफ़ करने की कोशिश करता है उस समय ख़राब हो जाता है, जब कोई इस पे कोई सॉलिड चीज़ से इस पे स्क्रैच करता है। ठीक है, तो ये बेस को कभी भी ऐसे साफ़ नहीं करना है। मेरे वीडियो में मैंने दिखाया कैसे साफ़ करना है, तो उस वीडियो के जो है, अगर आप लोगों को ऐसी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक पे जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका स्प्रिंग का कैसे है। देखिए यहाँ पर लॉक लगे हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, एक है, दो है, और ये तीसरा है, और एक ही चौथा, चार लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें अब इसको क्या करना है, आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, जैसे कि ये है, देखिए स्क्रू ड्राइवर से इसको जो है आप इस तरीके से करके ऐसे करना है आपको। पकड़ के रखना है इसको आपको, आराम से। ठीक है, आराम से करना, टूटे ना, बस इस तरीके से। देखिए ये बाहर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको, देखिए यहाँ पे लॉक टाइप का बना हुआ ना, ये यहाँ से हमने इसको खोला है और ये बाहर आ गया। ये देखिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपकी आपको दिख रही होंगी। देखिए इस तरीके से ये है। सपोज़ अगर आपका कभी ये निकल जाता तो वो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। और ये देखिए, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे,
ये येलो कलर के दो लॉक लगे हुए हैं, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे आप, और देखिए यहाँ से ये बाहर आ गया। ये स्प्रिंग जो है ना, ये जब सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो क्या करता है, ये फंसने लगता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग को आप हटा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं बिना स्प्रिंग के भी। तो हम सेम इसको भी ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे है, और इसको हमने अंदर की तरफ देखिए यहाँ प्रेस किया और ये बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये स्प्रिंग हटा दिया हमने, और अब बिना स्प्रिंग के हमें इसको लगाना है, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि देखिए ये जो चीज़ है ना, ये सपोज़ अगर ये कभी निकल गया, ये चीज़ अगर कभी ऐसे निकल गया, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लॉक होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आप लगा सकते हो, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है इसके सामने, और यहाँ ऊपर से जो है आपको यहाँ से प्रेस करना है इसको, ठीक है। देखिए होता बहुत टाइट है ये, तो देखिए इसको प्रेस करके इसमें लगाना होता है, ये देखिए। और अब हम इसको बिना स्प्रिंग के लगाएंगे, ठीक है, बिना स्प्रिंग के। अब ध्यान रखना है आपको, देखिए इसको जैसे आपने निकाला होगा वैसे आपको लगाना है। और ये चीज़ जो है ना, ये इसको ऐसे रखना है, ऐसे देखिए वीडियो में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये ऐसे बिठाएंगे तो नहीं बैठेगा, देखिए ये उल्टा है ना, इस तरीके से नहीं बैठेगा। इसको क्या करना है, इसको इधर लगाना है, जो जिस साइड का होगा उसी साइड में लगेगा। यहाँ पे किया हमने इसको, और देखिए ये बैठ गया, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये इसको प्रेस करता है फ्लशिंग के लिए, ये चीज़। तो ये जो है इसके सामने होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना, आप इसमें इस तरीके से ये प्रेस करता है, ऐसे 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 इस तरीके से वर्क करता है। अब दूसरा जो है, इसका भी हमने स्प्रिंग हटा दिया, इसको भी हम ऐसे लगाते हैं, देखिए हो गया। अब आप उसको दिखाएं आपको कि वर्क कैसे करता है, देखिए ये नीचे जब आता है तो ये जो है इसको खींचता है इस तरीके से, इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब इसको लगाना है, ये जो टी बना हुआ ना, टी लॉक है, इसको कहाँ लगाना है, इसको यहाँ पे लगाना है, इसमें इसमें लॉक करना है, ठीक है। इस टी लॉक को इसमें लॉक करना है। अभी इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे इस तरीके से पकड़ा और इसको ऐसे दबा के यहाँ पकड़ के रखना है, और ये जो है देखिए इसमें फंस चुका है, देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये जो रॉड है ये टी लॉक उसमें जाके फंस चुका है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे फंसता है ये, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके है। कहने का मतलब जब आप इसको खोलें तो इसको आपको नोटिस करके रखना है कि आपने खोला कैसे था, कौन सी चीज़ें कहाँ लगी थी, ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए,
मैं अभी दोबारा आपको खोल के एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए बैठ गया, ठीक है। और ये जो रॉड देख रहे हैं आप इसमें, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा बैठ गया। अब क्या है कि हमने इसका स्प्रिंग देखिए निकाल दिया है। स्प्रिंग क्या होता है ना, गलने के बाद जब ये फंसने लगता है तो हम लोग भी इस स्प्रिंग को हटा ही देते हैं ताकि ये स्मूथली वर्क करे। अब देखिए स्प्रिंग निकालने के बाद ये बिना स्प्रिंग के देखिए काम कर रहा है, ठीक है। बाकी आप इसको अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है तो इस चीज़ को आप हार्पिक वगैरह से, टूथब्रश वगैरह से इसको क्लीन कर सकते हो आप इसको, या फिर सिस्टम के अंदर आप हार्पिक में डुबा करके, हार्पिक डाल करके सिस्टम में पानी के साथ लिक्विड, हार्पिक लिक्विड डाल के आप घंटे दो घंटे छोड़ सकते हैं, तो इसके अंदर की जो यहाँ पर जो भी स्केलिंग वगैरह होती है ना, ये यहाँ पर इस तरीके से ये सब फंसता है, तो ये सब क्लीन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो जो हिस्सा स्लाइड होता है उस हिस्से को मेन साफ़ करना ज़रूरी होता है कि ये कहीं इस पर कहीं पे पपड़ी टाइप का पानी का जो कैल्शियम होता है इस पर जो है डिपॉजिट ना रहे, तो ये स्मूथली इस तरीके से वर्क करे, ठीक है। ये हो गया इसका स्प्रिंग तो हमने हटा दिया, ठीक है। अब हम चलिए आपको दिखाते हैं दूसरे टाइप वाला। अरे देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ये देखिए लॉक है यहाँ पर एक साइड में, और ये लॉक है, और यहाँ पे देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, आप इस साइड भी कट हुआ है, इस साइड भी कट है, ठीक है। क्या करना है, इस लॉक को यहाँ पे इस तरीके से लगाना है और इसको ऐसे घुमाना है। देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, तरीके से काम करता है। अब ये देखिए दूसरे टाइप का है, ठीक है। ये दूसरे टाइप का है, निकालने का प्रोसीजर सब सेम है। इसको क्या करना है आपको, देखिए इसके लॉक यहाँ पे लगे हुए हैं, ये बाहर से सब लॉक है। इसको क्या करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से किया और यहाँ से किया, आराम से करना है आपको, ज़्यादा जोर ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से किया और इस तरीके से सेम देखिए, इसके अंदर भी वही टी लॉक है, वही सब कुछ सेम है, ठीक है। खाली इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है, खोलने का तरीका चेंज किया। देखिए ये टी लॉक निकल गया, ठीक है, ये निकल गया बाहर, और ये भी सब कुछ सेम है इसमें भी, ठीक है। अब इसका भी वही चीज़, जैसे उसको उसका स्प्रिंग हमने निकाला था वैसे इसका भी स्प्रिंग निकाल के आप इसको, ठीक है, बिना स्प्रिंग के भी आप इसको लगा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें भी है। अब जैसे ये टी लॉक है, ये टी लॉक इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से घुमाना है आपको, और घुमाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो ये होल है, इस होल के अंदर ये जो ग्रीन वाला रॉड है ये इसके अंदर जाना चाहिए। देखिए ये जो रॉड आ रहा है ना, ये यहाँ इसके अंदर जाना चाहिए। अब इसको देखिए आसानी से बैठ गया, ठीक है। ये दूसरे टाइप का था, सब कुछ होता सेम है, थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज है, तो डिज़ाइन चेंज होने की वजह से हमने इसको खोलने के लिए दिखा दिया। और एक ये भी बड़ा सिंपल सा है, देखिए ये बहुत सिंपल सा है, इसको आपको पेच को उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे पकड़ेंगे हाथ से, और ये देखिए ये खुल गया, ठीक है। ये एक अलग टाइप का है, और इसमें भी देखिए ये जो है छोटे छोटे लॉक लगे हैं, इसको बड़े आराम से करना होता है क्योंकि इसके लॉक बड़े वीक होते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ इस पर आप ज़्यादा जोर देंगे तो ये टूट सकता है। देखिए इसको हमने हल्का सा दबाया और ये यहाँ से बाहर आ गया। इसका भी स्प्रिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना स्प्रिंग के चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हो गया आपका, और देखिए यहाँ पे भी है इस तरीके से। इसको यहाँ से अंदर ऐसे प्रेस किया,
दोनों साइड से, और इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया, देखिए ये भी आ गया। ये भी आप बिना विदाउट स्प्रिंग आप चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है, जैसे हमारे कई व्यूअर ने कमेंट किया था हमें कि जो है आप हमें इसका स्प्रिंग कैसे रिप्लेस करें, कैसे स्प्रिंग कैसे ठीक करें, तो ठीक तो नहीं हो पाता। एक बार स्प्रिंग सड़ गया, ख़राब हो गया, तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और इस टाइप का स्प्रिंग अगर आपको कोई, देखिए बहुत हार्ड भी नहीं, ठीक है, ये साइज़ जो है ना, इस साइज़ का अगर आपको मिलता है कहीं मार्केट में तो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। ये स्प्रिंग सड़ने के बाद अगर नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है, आप बिना स्प्रिंग के ही चलाओ उसको, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। सपोज़ मान लीजिए ये है, देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पे दो खाँचे हैं इसके साइड में, ये ऐसे बैठा होता है, ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूँ, एक साइड में जो ये कट है ये बड़ा है, ये छोटा है, वैसे सेम इस तरफ छोटा है, ठीक है, इधर ये बड़ा है। तो जो जिस साइड में होगा उसी साइड में बिठाएंगे तभी ये बैठेगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे करके ऐसे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो है, मैंने आप लोगों को जो वीडियो दिखाया है उसमें बस सिर्फ मेरा ये पर्पज़ था कि इसका स्प्रिंग ख़राब होता है तो आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। हटा के एक बार देखिए, वैसे सैफन जल्दी कभी ख़राब नहीं होता है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत ऐसी आती है कि आपका कंटिन्यू लीकेज बना हुआ है, और बॉल कॉक का वीडियो तो है ही है मेरे चैनल पे, है ना, जो फिलवाल होता है उसका तो वीडियो है ही मेरे चैनल पे, वहाँ तो आप सब देख ही सकते हैं। बाकी अगर इसमें कोई दिक्कत ऐसी आती है तो ये वाशर भी आपको चेक करना होता है, ये क्लीन होना चाहिए। और ये वाशर जो है ना, देखिए इस तरीके से इसको किसी ऐसे धार वाले चीज़ से, मेटल वगैरह से नहीं रगड़ना, हाथ से साफ़ करना है। और इसको आपको एक चीज़ और देखना है कि इसको आपको चेक करना है लगाने के बाद, जैसे आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये देखने वाली बात होती है इसमें कि ये लूज़ तो नहीं है, ये स्प्रिंग जो है, ये जो आपका वाशर है, ये ऐसे हिला के देखना आपको लूज़ तो नहीं है कहीं, हिला होगा तो भी लीकेज होगा। और ढीला होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो है, तो यहाँ पर अंदर जो है ना, इसके ये जो अंदर देख रहे हैं आप, इसके अंदर यहाँ पर टेफ्लॉन टेप आप दो तीन लेयर आप जो है इसमें लपेट दीजिए, दो तीन लेयर टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद, उसके बाद आप इसको इस तरीके से फिर से लगा सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी मैं आगे वीडियो जो देने वाला हूँ अपने चैनल पर, वो उसकी जैसे फाइव पॉइंट डायवर्टर हो गया, सिंगल लीवर हो गया आपका, सिंगल फ्लश वाल्व हो गया, ठीक है, तो उस सब का वीडियो मैं अपने चैनल पे देने वाला हूँ। अभी क्या है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये फ्लश वाल्व होते हैं, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, अभी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसका अपलोड करूँगा कि ये जो फ्लश वाल्व होते हैं ना, ये बेटर होता है या सिस्टर्न होता है, ठीक है। वैसे ये बहुत बेटर होता है सिस्टर्न के अकॉर्डिंग, अगर आपका सिस्टर्न है उसके कंपेरिजन में ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फ्लश वाल्व होते हैं जो सीट में आपके कमोड में वॉल माउंटेड में आप इसको लगा सकते हैं, फ्लोर माउंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और सिस्टम वगैरह के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वीडियो में। दूसरा मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताने लूँ, जैसे देखिए ये जो डाइवर्टर्स हैं, डाइवर्टर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, ये वेटर रहेगा या वाल मिक्सर वेटर होता है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरीके का जो भी वीडियो आप लोगों के लिए जो फ़ायदा हो, बाथरूम के जो भी फिटिंग्स वगैरह होते हैं उनके सभी जो है डिटेल्स मैं आप लोगों को पहुंचाता रहूँगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाए और आप वीडियो देख सकें, ठीक है। बाकी मेरा एक और रिक्वेस्ट है, मेरे जो व्यूवर्स हैं, कुछ व्यूवर्स हैं, जैसे कि मैं फोर्सली तो किसी को बोलता नहीं हूँ कि वीडियो आप देखिए, है ना, लेकिन कुछ लोगों का बड़े घटिया कमेंट आते हैं कि यार ऐसा वैसा, तो भाई वीडियो देखना है तो देखो यार, नहीं देखना तो मत देखो, कोई इशू नहीं है, बट यार कमेंट तो ऐसे गंदे कमेंट मत किया करो ना। अब ऐसा थोड़ी कि तुम वीडियो में कमेंट कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से, तुम वहाँ से गंदे कमेंट करोगे, मैं यहाँ से गंदे कमेंट करूँगा, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, है ना। तो कुछ लोगों की गंदी हरकतें होती हैं, गंदी आदतें होती हैं, जो साले बाज नहीं आते हैं इन सब चीज़ों से, तो ऐसा कमेंट प्लीज़ मत करिए मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों को देखना है, वैसे भी कोई एंटरटेनिंग वाली वीडियो तो है नहीं ये,
जिसमें मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ कि चलो ठीक है आपने वीडियो देखा, आपको कोई, हमारे वीडियो तो इस पर्पज से है, अगर किसी को उससे रिलेटेड जिस जो मेरे वीडियो है जो मेरा कंटेंट है इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो आप देख सकते हो, ठीक है। कोई फोर्सली आपको, कोई फोर्सफुली नहीं कह रहा कि आप चैनल पे मेरे वीडियो देखिए या मत देखिए, अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। बट कमेंट मत करो यार, ऐसे कमेंट, घटिया कमेंट करते हो, कुछ लोगों का तो कमेंट आता है, और कमेंट करने का क्या मतलब है ऐसे तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कमेंट मत किया करो, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है मैं किसी को अपशब्द दिया उल्टा सीधा कमेंट में रिप्लाई बैक करूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि मैं भी कर सकता हूँ कमेंट, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो मैं नहीं, ऐसे लोगों को रिप्लाई बैक तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैसेज देना ज़रूरी था।